दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे देखकर तुम भी हिल जाओगे और ऐसे कांड तुम भी नहीं कर पाओगे। ये बंदा इस मूवी में 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ भटाभट करता है, लेकिन ये जिस भी लड़की के साथ संभोग करता है उनकी शादी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इस मूवी में इन भैया के साथ क्या क्या होता है। मूवी की शुरुआत में कुछ बच्चे एक गेम खेल रहे होते हैं। ये वही गेम है जो मैं 6ठी 7वीं क्लास में खेलता था, शायद आप लोग भी खेलते होंगे। इस गेम में ये होता है कि कोई भी लड़का या लड़की इस बोतल को घुमाएगा और वो बोतल जिस भी लड़की या लड़के पर रुकेगी उसे बोतल घुमाने वाले लड़की या लड़के के साथ रूम में बंद कर दिया जाएगा, जहां वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमने ऐसा वाला नहीं खेला था, वरना हमारी भी मौज आ जाती। वहीं एक मोटे का नंबर आ जाता है जो कहता है तू और मैं चलेंगे अंदर, बस 10 मिनट, आ जा रानी। वहीं मोटा कहता है अगली बार एक ढीले की आती है जो बोतल को घुमाता है और वो बोतल अलीसा के पास रुकती है, जो दिखने में काली जादूगरनी से कम नहीं है। अलीसा पहले से ही उसे प्यार करती थी। वो कहती है अपने कपड़े उतार, लेकिन हमारा पप्पू तो डर जाता है, वो साफ मना कर देता है। लेकिन बाहर बैठे बालकन को लगता है अंदर मौज आ रही है। वहीं अलीसा गुस्से में उसमें एक लात मारती है, वो बाहर निकल जाता है, जिससे सभी बच्चे डर जाते हैं। वहीं अलीसा को जबरदस्त गुस्सा आता है। वो हमारे पप्पू को श्राप देती है, आज से तू किसी भी लड़के के साथ संबंध बनाएगा वो तेरे साथ नहीं रहेगी, तुझे ठेंगा दिखा के चली जाएगी। और अलीसा पप्पू के बाल उखाड़ कर चली जाती है, जहाँ पप्पू बेचारा बहुत डर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं पप्पू और जप्पू दोनों बड़े हो गए हैं। जप्पू वही है मोटा जो मौज ले रहा था। ये दोनों अब डॉक्टर बन चुके थे, वो भी दांतों के, यानी डेंटिस्ट। इसके बाद ये दोनों एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ दुल्हन पप्पू को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसकी वजह से उसकी शादी हो रही थी। वहीं पप्पू को एक लड़की मिलती है जिसे देखकर वो आशिक आवारा हो जाता है। बातों बातों में ही उस लड़की से एक मोमबत्ती पप्पू के पैंट पर गिर जाती है, जिससे पप्पू जल जाता है। अगले दिन पप्पू अपने क्लिनिक में जाता है, जहां आज लड़कियों का भंडार लगा हुआ था, जिसे देखकर वो भी हैरान हो जाता है और वो अपने घर जाता है। वहाँ भी उसे लड़कियों का भंडार दिखता है। अगले सीन में हम कैम को देखते हैं। कैम वही है जिसने पप्पू पर मोमबत्ती गिरा दी थी। कैम पेंगुइन की देखभाल की नौकरी करती है। वहीं कैम पेंगुइन को खाना दे रही होती है तो अचानक से एक पेंगुइन कैम को गिरा देती है, जिससे उसका एक दांत टूट जाता है। वहीं रात में पप्पू एक लड़की से मजे ले रहा होता है। ओवर होने पर पप्पू उसे रोक देता है तो वो लड़की कहती है तुम एक लक्की पप्पू हो, जो भी लड़की तुमसे भटाभट करती है उसकी जल्दी शादी हो जाती है। जहां हमें पता लगता है कि शादी में वो लड़की पप्पू को थैंक यू क्यों बोल रही थी, इसलिए उसके क्लिनिक में इतनी भीड़ लगी थी। ऐसा शराब हमें भी मिल जाए तो मौज आ जाए। इसके बाद पप्पू के पास कैम का फोन आता है। वो कहती है पप्पू मेरा एक दांत टूट गया है, जोड़ दोगे मेरे बाबू, एक पप्पी दे दूंगी। पप्पू कैम को अपने क्लिनिक बुलाता है और पप्पी के लालच में उसका फ्री में इलाज करता है। जब पप्पू घर आता है तो उसे अपने ही क्लिनिक की एक चामुंडा सी लड़की मिलती है। वो कहती है यार मेरा काला और मोटा शरीर देखकर कोई भी लड़का मुझसे शादी नहीं कर रहा है, तुम मुझे बजा दो। ये सुनकर पप्पू भी घबरा जाता है। अगले दिन जप्पू पप्पू से कहता है भाई तू जिसे भी मुर्गी बनाता है उसको अपना सच्चा प्यार मिल जाता है, तू इसका फायदा उठा। पहले तो पप्पू उसे मना कर देता है तो जप्पू पप्पू को समझाता है भाई जॉनी भैया को देख, उन्होंने कभी डॉक्टर कभी प्लम्बर कभी ड्राइवर बनकर कितनी लड़कियों की हेल्प की है, आज पूरी दुनिया जॉनी भैया को सलामी देती है। ये सुनकर पप्पू भी पप्पू भैया बन जाता है और अगले दिन क्लिनिक जाकर पप्पू भैया सारी लड़कियों की टाएं टाएं फिस कर देते हैं और अपनी रेलगाड़ी चढ़ा देते हैं। लेकिन इनकी रेल कभी बेड पर कभी बालकनी पर कभी रोड पर चलती है, जहां तक कि पप्पू भैया ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा, बस एक रूल अपनाया मौज लो रोज लो। वहीं जप्पू कहता है पप्पू मैं तो तेरे से मजे ले रहा था, तूने तो सही में सबका गेम बजा दिया। तो पप्पू कहता है मैं कैम से बहुत प्यार करता हूँ, उसको ना पता लगे बस। तो जप्पू कहता है यार एक हथनी मेरे पीछे पड़ गई है, तू उसे खुश कर दे, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन पप्पू को फील होता है कहीं ये सब करते करते कैम मेरे हाथ से ना निकल जाए। वो उसी रात जाकर कैम से रोमांस करता है और उसको इम्प्रेस करने के लिए कैम के ऑफिस में पप्पू फूलों का भंडार लगा देता है और पेंगुइन बनकर उसके सामने डांस करने लगता है। लेकिन कैम उसके सरप्राइज से डर जाती है और चली जाती है। वहीं कैम अपने एक फ्रेंड के साथ घूम रही होती है, जिसे देखकर पप्पू को लगता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है, जिस पर पप्पू उसे पप्पू बनाकर मारता है। लेकिन कैम पप्पू की हरकतों को देखकर उससे ब्रेकअप कर लेती है और बेचारा पप्पू बहुत उदास हो जाता है। और वहीं बारिश में उसे रोड पर एक बोतल घूमते हुए दिखती है, जिसे देखने के बाद उसे अलीसा का श्राप याद आता है। वो तुरंत जप्पू के पास जाता है और अलीसा के घर निकल जाता है। घर पहुंचकर पप्पू अलीसा से माफी मांगता है तो अलीसा कहती है अबे वोंदू वो सब मैंने बचपन में ऐसे ही बोल
बोल दिया था, वो तो बस एक मजाक था। वहीं अलीसा पप्पू को सलाह देती है, तुम कैम को उसके हालात पर छोड़ दो, अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करती होगी तो वो खुद तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। थोड़े दिनों बाद पप्पू को पता लगता है कि कैम हमेशा के लिए अपने घर जा रही है, जहां पप्पू पूरी जी जान से एयरपोर्ट पर पहुंचकर कैम से मिल जाता है। पप्पू कैम से कहता है, मैं तुमसे सच्चा आशिक वाला प्यार करता हूं। तो कैम कहती है, मैं भी बाबू, मैं तुम्हारे साथ आशिक थ्री बनाना चाहती थी। और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और पप्पू को अपना प्यार मिल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलीसा अपना जादू टोना वाला बॉक्स निकालती है और उसमें से वो पप्पू की डॉल निकाल कर उसमें से पिन निकाल देती है और अपना श्राप वापस ले लेती है, और यही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम है गुड लक चक, जो कि साल 2007 में रिलीज़ की गई थी। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो। तो आज ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।